आज के ब्लॉग में भी आप सबके आने वाला है मुंह में पानी, तो चलिए आप बने रहिए वीडियो पर। स्वागत है आप सभी का न्यू ब्लॉग में, और आज मैं कुछ रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये कीमा ले लिया है और मैं आज कच्चे कीमे के कबाब बना रही हूँ और बिरयानी, तो मैंने सोचा चलें आपके साथ भी शेयर कर देते हैं। ये रेसिपी भी बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं इस तरीके से। आपने दाल वाले तो बहुत खाए होंगे सेमी कबाब, लेकिन ये वाले भी आप ट्राई करना एक बार। मैं इसमें 2 हरी मिर्ची कट कर रही हूँ सबसे पहले, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा तीखा नहीं पसंद है तो। आज भी आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है। तो चलिए इसमें हम मसाले अपना डालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम भुना हुआ इसमें धनिया डालेंगे थोड़ा सा, इसको ज़्यादा नहीं डालना है, और हाथ से इसको मसल लेना और इस तरीके से इसमें डाल देना, और नमक टेस्ट के अनुसार। होममेड मसाला है ये, खड़ा बड़ा मसाला, ये भी आप अपने हिसाब से ऐड करना थोड़ा सा ही, और चिली फ्लेक्स, इससे भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट हो जाता है, और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। आप देख लेना कितना तीखा खाना पसंद करते। 2 चम्मच यहाँ पर बेसन ऐड कर रही हूँ। और इसको करते हैं अच्छे से मिक्स, और थोड़ा सा हरा धनिया मैं ऐड कर ले रही हूँ इसमें। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मैं प्याज इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो प्याज भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं अदरक लहसुन का पेस्ट और मैं ऐड करूँगी, इसको मिक्स कर लूँ पहले, उसके बाद करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट और एक अंडा, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर से। वाह दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी दीदी। जैसे इसको मिक्स कर लिया है, इसको साइड पर रखते हैं। चलिए बिरयानी बना लेते हैं पहले। मैं आपको प्रॉपर कोई भी चीज नहीं, दीदी वाह दीदी, दीदी दीदी। चटनी बनाने के लिए सारा सामान मैंने मिक्सर जार में कर लिया है। चलिए इसको ग्राइंड कर लेते हैं और फिर दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। तो क्या नाचो मैं? मैं इस तरीके से ही बना लूंगी।
चिपकेगा नहीं इस तरीके से, अगर तेल लगा लोगे ना हाथ में तो ये चिपकती नहीं है फिर बिल्कुल भी। उधर हमारी बिरयानी तैयार हो रही है, साथ के साथ कबाब भी तैयार हो जाएंगे। दो मैंने उस तरीके के बनाए और दो मैं इस तरीके से, जिस तरीके से कबाब बनाते हैं ना सीख वाला, अगर चाहो आप तो उस तरीके से भी इसको बना सकते हो। ये अंदर तक सीखेगा, ऐसा नहीं है कच्चा नहीं रहता है, क्योंकि मैं पहले भी बना चुकी हूँ। सिंपल इस तरीके से भी बना सकते हैं इसको। ऑयल भी गर्म है, इनको हम इसमें सेकेंगे। सारे कबाब हमने इसमें रख दिए हैं और इसको हम गैस की फ्लेम हाई करेंगे। पहले हम प्लेट ऊपर से ढक देंगे इसमें। अब इनको दूसरी साइड से चेंज कर देते हैं। मैंने इसको ढका इसलिए था ताकि इसकी छींटें दूर तक ना जाए। देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है इसका। इधर बिरयानी भी तैयार है। देखिए ये कबाब हो चुके हैं तैयार। चलिए बिरयानी के साथ सर्व करते हैं। ब्यूटीफुल।